Hello everyone. Today we are here to study our poem 1 from class 9th English Bihai book, and the title of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. So student, ये जो poem है आपकी poet ने लिखी है Road Not Taken. Title जैसे आपको suggest कर रहा है कि poet is talking about that road which he did not choose. He did not choose means there were the like he was having two options, okay? कि he was going on the way, ठीक है, और रास्ते में एक forest में he was having the option, वहाँ से two roads जा रही थी, एक road पर आया जहाँ से दो रास्ते जा रहे थे. Now he is talking about that road which he did not opt. ओके, जोन सा रोड उसने नहीं लिया है. एंड व्हाई ही टुक द फर्स्ट रोड, व्हाई ही डिडंट टेक द सेकंड वन. सो ये जो पोयम है उसी के ऊपर है. एक्चुअल में ये जो पोयम है दिस इज़ अ सिम्बॉलिकल पोयम. सिम्बॉलिकल मतलब सिम्बोलाइज्ड करती है ये पोयम. किसको सिम्बोलाइज्ड करती है? एक्चुअली दिस इज़ रिलेटेड विद द रियल लाइफ. हमारी लाइफ में भी हमें ऑप्शन मिलते हैं, हमें एक ही को चूज़ करना होता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि विच वन सूट्स अस, विच वन इज़ बेटर फॉर अस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट चॉइस हम अपना लाइफ में आगे बढ़ते हैं. सो सेम जो इस पोयम में बताया है राइटर ने रोड जो है उसके थ्रू. लेट्स बिगिन दिस पोयम. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. अब कह रहे हैं दो रोड जो है डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब सेपरेट, ठीक है, सेपरेट हो रहे थे इन ए येलो वुड. वुड मीन्स फॉरेस्ट. येलो मतलब येलो किसके लिए बोला है? येलो बोला है वो फॉरेस्ट विच इज फुल ऑफ टोन लीव्स एंड विच हैव टर्न्ड येलो. मीन्स वो फॉरेस्ट जिसमें बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं, वो पत्ते जो गिरने के बाद जो है येलो हो गए हैं. अब सूखने के बाद पत्तों का कलर येलो हो जाता है. तो उसी तरह से पोएट के यहाँ पर वही बता रहा है, कह रहा है कि एक जंगल में से दो जो रास्ते थे वो सेपरेट हो रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे, और वो येलो वुड क्यों बोले? क्योंकि उस लीव्स वहाँ पर बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे हुए थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. अब क्योंकि पोएट एक ही जगह रास्ते से जा सकता है, तो वो कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, मैं एक ही रास्ते से, एक दोनों रास्तों से नहीं जा सकता था, मुझे एक ही रास्ता चूज़ करना था. एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि एक ही ट्रैवलर था मैं, एक ही मुझे जाना था, लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ पर काफ़ी देर खड़ा रहा. मतलब पोएट उस दो जो रास्ते जहाँ से वो डाइवर्ज हो रहा था वो रोड, वहाँ पर काफ़ी देर खड़े होने के बाद, मतलब खड़ा रहा, वो ये सोचता रहा कि उसे कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और कहते हैं मैं झुक कर भी देखता रहा कि मुझे कौन सा रोड देखना लेना चाहिए. अब देखिए ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में भी कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हमें ये चूज़ करना है. जैसे आप लोग भी स्टूडेंट लाइफ में आप देखते हैं कि आप जब 10th क्रॉस कर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे या तो देख लो आपको मेडिकल लेनी है या नॉन मेडिकल लेनी है, या फिर आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है. अब जो चीज़ आपने चूज़ कर ली वो कर ली, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो बाद में. आप सारी चीज़ें अच्छे से देखते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं, आपका जो फ्यूचर है आपके इस डिसीजन के ऊपर बेस्ड है, राइट? एंड आप हर एक स्ट्रीम को अच्छे से देखते हैं कि कौन सी मुझे चूज़ करनी है. तो वैसे ही यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि मैं जितनी दूर तक हो सकता था मैंने झुककर देखा उस रोड को, मतलब कौन सा रोड मेरे लिए बेटर है. टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मतलब जो डेंस ग्रोथ हो रही है, मतलब जहाँ तक वो जो जंगल है बहुत घना हो रहा है, मतलब जिसके आगे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और प्लांट्स आ गए हैं, बुशेज आ रही हैं, अब आगे नहीं दिख रहा है, वहाँ तक उस पोएट ने क्या कह रहा है कि उसने देखा है, झुककर वो देख रहा है कि कौन से बेंट डाउन मतलब उस जो रास्ता मुड़ रहा है वहाँ तक वो रास्ते को देखता है और डिसाइड करता है कि कौन सा रोड उसके लिए बेटर है. सेम विद आर लाइफ, जैसे कि हमारी लाइफ में चॉइसेस होती हैं, सेम वहाँ पर पोएट ने जो है इसके थ्रू डाइवर्ज रोड के थ्रू बताया है. नेक्स्ट रेंज देखते हैं. देन टुक द अदर. अब पोएट क्या कह रहे हैं, फिर मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही अच्छा लग रहा था. मतलब उसे दोनों ही रास्ते ठीक लग रहे थे. ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और दूसरा बहुत ख़राब. वो कहते हैं जितना पहले वाला रास्ता ठीक लग रहा था दूसरा रास्ता भी उतना ही ठीक लग रहा था.
तो मैंने दूसरे वाला रास्ता लिया एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि वो मुझे शायद लग रहा था मेरे लिए वो बेटर क्लेम बेटर ऑप्शन है. वो कहता है कि शायद मेरे लिए ये बेटर ऑप्शन था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. ग्रासी मतलब क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास थी. अब देखिए जिन रास्तों पर एक जंगल है, जंगल में से अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं तो नीचे जो घास उग रही होती है, लेकिन अगर जो लोग उसके ऊपर से जाते जाते हैं वो क्या होती है, घास ख़त्म हो जाता है और मिट्टी का रास्ता सा दिखने लग जाता है. ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जो दूसरा रोड है ना वो मुझे ज़्यादा ग्रासी लग रहा है, मतलब उस पर ज़्यादा ग्रास दिख रही है, ज़्यादा घास दिखाई दे रही है. अब इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा घास दिखाई दे रही है, मतलब वो लोग उस पर लोग कम ट्रैवल किए हैं, वहाँ पे लोग कम जा गए हैं. एंड वॉन्टेड वेयर, वॉन्टेड वेयर मतलब हैड नॉट बीन यूज, मतलब वो रोड जो है ज़्यादा यूज नहीं हुआ. वेयर एंड टेयर आपने नहीं सुन रखा होगा शायद. वेयर एंड टेयर होता है बेसिकली कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं तो थोड़ा बहुत वो घिस जाती है ना, तो उसको हम वेयर एंड टेयर बोलते हैं. मतलब वो यूज़ करते करते टेयर हो जाए इस ऐसी चीज़ को. अब वांटेड वेयर वैसे ही बना है, वेयर मतलब कि उस पर ज़्यादा लोग वो चाहती है वो रोड, लेकिन उस पर जो है ज़्यादा लोग नहीं गए. समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बोल रहे हैं वांटेड वेयर मतलब वो जो रोड है ज़्यादा ग्रासी है और वो चाहती है वो रोड चाहती है वहाँ पर ज़्यादा लोग आए, उस रोड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है. अब राइटर ने वही वाला रोड चूज़ किया है जिस पे लोग कम गए हैं. अब देखिए हम लोग यूजली क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम उस रोड से जाएँ जहाँ पर ज़्यादा लोग गए हुए हैं, दैट्स मीन वो रास्ता ठीक होगा. लेकिन यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि मैंने उस रास्ते को ऑप्ट किया, मुझे लग रहा था यहाँ पर ज़्यादा ग्रास है, इसका मतलब इसको कम यूज़ किया गया है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं गए हैं. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. वो कहते हैं हालांकि एज फॉर दैट पासिंग देयर, जैसे ही मैं वहाँ से पास कर रहा था, उस रोड से मैं गुजर रहा था, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. हैड वॉर्न देम मतलब कि मुझे रियलाइज हुआ. अब पोइट को उस रास्ते पर चलकर रियलाइज़ हुआ अबाउट द सेम कि जो दोनों रोड है वो सेम ही थे, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं था, वो दोनों रोड बिल्कुल सेम से ही थे. मतलब पोइट को ये लग रहा था कि इस रोड पे लोग कम गए हैं. अब देखिए जिस रोड पर कम लोग गए होंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ रिस्की होगा, राइट, तभी कम लोगों ने ऑप्ट किया. लेकिन पोइट ने भी वही रास्ता चूज़ किया जिस पर कम लोग गए थे. इससे क्या पता चलता है कि पोइट क्या था, एडवेंचरस था, उसे एडवेंचर लेना अच्छा लगता था, उसे रिस्क लेना अच्छा लग रहा था, राइट, गेटिंग माय पॉइंट. तो इसीलिए यहाँ पर पोइट जो है वो कह रहा है कि उसने वही रास्ता ऑप्ट किया, जब उस रास्ते पर गया देन ही रियलाइज्ड अबाउट द सेम कि बोथ आर सेम, दोनों रास्ते सेम थे, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, सो एवरीथिंग वॉज एज सेम एज वॉज द फर्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट रेंजर देखते हैं. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. कितने दोनों ही रास्तों पर जो सुबह होती है वो equally lay करती है, मतलब same होती है. वो कहते हैं कि दोनों रास्ते same थे, poet ने यही realize किया जाकर. तो कहते दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे, दोनों पर same सुबह होती थी, कोई फ़र्क नहीं था. In leaves no step had trodden black. ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या होता है कि वो ब्लैक जो है नहीं हुए, मतलब जो लीव्स थी उनके ऊपर कोई स्टेप नहीं रखे गए, मतलब उनके ऊपर नहीं चला गया ज़्यादा. हैड ट्रोडन ब्लैक, वो ब्लैक में चेंज नहीं हुए, जिन जो लीव्स पैरों के नीचे आते जाते हैं वो सूखते जाते हैं, उनके कलर चेंज हो जाता है, राइट. तो पोइट यहाँ पे कह रहा है दे आर स्टिल ग्रीन, उनका कलर अभी भी ग्रीन है, ट्रोडन ब्लैक, वो ब्लैक में चेंज नहीं हुए, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा लोग नहीं चले, इन लीव्स के ऊपर कोई स्टेप नहीं पड़े, कोई भी इन लोग जो है इन लीव्स पर से नहीं गए, इन पत्तों पर नहीं गए हैं, तभी जो है ये अभी तक भी ग्रीन कलर के हैं, ब्लैक नहीं हुए हैं. तो मतलब ये भी जो है सेम ही है, यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब पोइट क्या कहता है कि मैंने जब रास्ता चूज़ किया सेकंड वाला, तो उसने ये बोला कि पहला रास्ता जो है फर्स्ट है उसे मैं फिर कभी ट्राई कर लूँगा. हमारी लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं हम, जब हमें कहीं जाना होता है दो जगह ऑप्शन होती है तो हम कहते हैं चल यहाँ पे चले जाते हैं, पहले जो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हम उसको चूज़ करते हैं, और दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फिर चले जाएंगे. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे.
I doubted if I should ever come back. हालांकि पोइट कहते हैं मुझे पता था how way leads on the way. You can't go back. मतलब जिस तरह से रास्ते जा रहे होते हैं I doubted. मुझे डाउट था if I should ever come back. कि मैं कभी वापस आऊँगा भी सही. मतलब अब वही बात है, देखिए जैसे हमारी रियल लाइफ में होता है, हम बोल तो देते हैं कि चल ये काम कर लेते हैं उसको बाद में देख लेंगे, ये पहले यहाँ चले जाते हैं वो बाद में कर लेंगे, लेकिन वो बात कभी नहीं आता है ना. ऐसे ही यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि हालांकि मुझे पता था मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, तो मैं ये जो मैंने सोचा था मेरे दिमाग में ये सोच आई थी कि चल ठीक है अभी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पहले वाले रास्ते को फिर कभी चूज़ कर लूँगा, चला जाऊँगा. मुझे पता था, मुझे डाउट था कि मैं कभी वापस आऊँगा भी सही यहाँ पर. मतलब मुझे पता था कि दोबारा वो बाद में कभी नहीं आना, मैं दोबारा कौन सा यहाँ पर आऊँगा और दोबारा से अपना मतलब जो है फर्स्ट रोड ऑप्ट करूँगा तब. जैसे हम लोग भी हैं और वो चांस कभी नहीं आता है रियल लाइफ में भी. जैसे आप लोग हैं, अगर आप आगे 11th 12th में जो स्ट्रीम चूज़ करेंगे आपकी वही रहेगी लाइफ लॉन्ग. ऐसा नहीं है कि आपने 11th में मेडिकल ले ली और 12th में आप नॉन मेडिकल लेके आप आगे कर लेंगे. जो चीज़ आपने ले ली मतलब वही आपको आगे तक लेके जाएगी, आप वापस नहीं आके चेंज नहीं कर सकते हैं. रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जो चीज़ हम एक बार चूज़ कर लेते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है, वही आगे तक रहता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट चेंजर देखते हैं. आई शिल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस इन एजेस हेंस. अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जब ये रास्ता पोएट ने चूज़ कर लिया जो सेकेंड रास्ता है, अब क्या कहता है पोएट, कहता है कि मैं आई शिल बी टेलिंग दिस, मैं बता रहा होऊंगा ये बात विद अ साई. साई मतलब होता है रिलीफ, चैन की सांस लेना. तो पोएट कहता है मैं ये बातें बता रहा होऊंगा समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. हेंस मतलब अब के बाद, फ्यूचर में. एजेस एंड एजेस मतलब बहुत बाद, बहुत ही मतलब बहुत टाइम बाद, फ्यूचर में मैं ये बात बता रहा हूँगा चैन की सांस लेकर. टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ वुड. कौन सी बात बता रहा होगा पोएट? पोएट कहते हैं कि मैं लोगों को बता रहा हूँगा, मतलब बहुत सालों बाद फिर मैं लोगों को बताऊँगा कि हाँ एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं जंगल में गया जा रहा था, मुझे दो रोड मिली, वो सेपरेट हो रही थी और मुझे उनमें से आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और फिर मैं लोगों को बताऊँगा कि मैंने वो वाला रोड ऑप्ट किया जो कि लेस ट्रेवल्ड था, जिसपे कम लोग गए हुए थे, and that has made all the difference. और वही सब मेरा difference है, मतलब that has made me what I am today. जो रास्ता मैंने choose किया उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ. मतलब poet कहते हैं कि जो मैं अब रास्ता मैं choose कर रहा हूँ वही रास्ता मेरा रहेगा और यही मेरा future रहेगा. तो मैं कई सालों बाद फिर बता रहा हूँगा कि हाँ मैंने ये चीज़ ऑप्ट करी थी और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ. मतलब हम अपनी लाइफ में भी जब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, तो फिर हम काफ़ी सालों बाद हम बातें करते हैं तो मैं बताऊँगा कि हाँ मैंने ऐसा किया था, तभी तो मैं. देखिए पोएट बनना इज़ नॉट एन कॉमन थिंग, राइट? तो पोएट यही कह रहा है कि आज जो मैं हूँ, बहुत कम लोग उस चीज़ को ऑप्ट करते हैं, बहुत कम लोग ही हैं जो. हालांकि पोएट को दिख रहा था कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं गए हुए हैं, लेकिन फिर भी पोएट क्या कह रहा है, जब मैं इस रास्ते पर चला तो मुझे सेम लगा. पोएट को डिफ़िकल्टी नहीं लगी, हालांकि इट इज़ डिफ़िकल्ट. क्यों नहीं लगी? बिकॉज पोएट एडवेंचरस था, पोएट के हिसाब से ये चीज़ें नॉर्मल थी, राइट? तो इसीलिए पोएट कहते हैं, और वो मैंने रास्ता लेस ट्रेवल्ड रोड चूज़ किया था, दैट इज़ अ रीज़न कि आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं जो यहाँ पर बना हूँ, जो मैं बन गया हूँ. अब देखिए इसकी एक बारी मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बता देती हूँ. फर्स्ट स्टैंजा में आपका देखिए दो लाइनें एंड से शुरू हो रही है, जब सेम लाइनें से थ्री लाइंस आपकी स्टार्ट हो रही है एंड से, तो यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है, ठीक है. सेकंड स्टैंजा में देखिए वांटेड वेयर डब्ल्यू लेटर रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस. नेक्स्ट लाइन में दैट द पासिंग देयर टी लेटर रिपीट हो रहा है, अगेन एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस. अब इसके बाद देखिए दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो यहाँ पर इसे नेक्स्ट लाइन में है फर्स्ट फॉर अनदर डे, थर्ड लाइन अगेन एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है, राइट?
लास्ट स्टेंजा में एजेस एंड एजेस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस है. ठीक है, सो दैट वॉज योर पोएम. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.